नमस्कार दोस्तों, टूली द ब्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे विचारों में एक फ्रिक्वेंसी है, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत, यानी आकर्षण का सिद्धांत क्या कहती है। मैं इन सारे सवालों के जवाब आज आप लोगों को दूंगी कि हम जो विचार करते हैं क्या यूनिवर्स उसे सही ढंग से समझ पाता है, उसके पास क्या मैसेज जाती है, यानी यूनिवर्स हमारे विचारों में कितनी भावना को समझता है, कितने वर्ड्स को समझता है और कितने हम जो चाहते हैं वो समझता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को भी बिल्कुल दबाइए, क्योंकि इस तरह के वीडियो ताकि आपसे मिस ना हो, इसलिए सब्सक्राइब करते ही आप बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिए। ठीक है, अब बढ़ती हूँ आगे। दोस्तों, हमारे विचारों की एक फ्रीक्वेंसी है। जब भी हम अपने मन में कोई विचार सोचते हैं तो वो सिग्नल की तरह सृष्टि में जाता है, यानी कि यूनिवर्स के पास जाता है। हम जो भी सोचते हैं वो एक सिग्नल है कि वहाँ पर वो पकड़ने की कोशिश करता है यूनिवर्स हमारे सिग्नल को। ठीक है, तो बात आती है कि आकर्षण के नियम में उसी फ्रीक्वेंसी के लोगों, उनके कार्यों, परिस्थितियों को हमारे जीवन में हम आकर्षित करते हैं। देखिए, सृष्टि में जाने वाली हर चीज विचार है, वो स्रोत आपके हैं, यानी कि वो जो आप मैसेज पहुंचा रहे हो ठीक उसी रास्ते से वो बाउंस बैक होकर आपके पास आ रही है। तो वो सोचने का स्रोत आपका है। आप क्या सोचते हैं, आप कितना नेगेटिव सोचते हैं, आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं, इसलिए नेचर में जाने वाले आपके विचारों के सिग्नल किसी न किसी रूप में दोबारा आपके पास ही लौट के आती है। यानी कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो किसी न किसी वे से वो नेगेटिव होकर ही आपके पास आएगी। आप अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव का भी वो सिग्नल जा रहा है, वो भी ठीक उसी तरह से बाउंस बैक होकर आपके पास आ रहा है। देखिए, जिस फ्रीक्वेंसी के विचार आप अपने मन में सोचते हैं उसी फ्रीक्वेंसी के विचार वाले बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में आकर्षित करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि आप एक डायनामिक सोच है आपकी, आप नेगेटिव सोच रहे हो, इस तरह के बहुत सारे मानसिकता के लोग हैं जो नेगेटिव उस वक्त सोच रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। ठीक है, तो आपके पास भी उसी तरह के लोग अट्रैक्ट होंगे जितने नेगेटिव लोग हैं, जिनकी सोच बहुत नेगेटिव है। ठीक उसी तरह जब आप जितनी पॉजिटिव सोचेंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी जो है ना वो मैच करेगी नेचर के साथ, यूनिवर्स के साथ। तो क्या होता है, उस वक्त या उस समय या फिर जितने लोग पॉजिटिव सोचते हैं उतने लोगों की आकर्षण शक्ति आपके पास आ रही होगी। तो मैंने क्या कहा है आप लोगों को कि हमेशा पॉजिटिव सोचा कीजिए। पॉजिटिव सोचने से क्या होता है ना कि आप उतने ही जीवन में वही सारी चीज़ें, वो हो सकता है कुछ भी हो सकता है जो कि पॉजिटिव हो आपके लिए, वही चीज़ आपके पास वो आएगी। उसी तरह फ्रीक्वेंसी वाले घटनाओं को आकर्षित हम लोग करते हैं ना, वो होते हैं कि जो हम सोचते हैं वैसे ही होता है। ठीक है, तो आपको अपने जीवन में उसी फ्रीक्वेंसी को समझना है कि उसके परिस्थिति क्या बन रहे हैं और उसके रिजल्ट क्या आ सकते हैं। अगर आप उस वक्त बहुत सारी चीज़ें दिमाग में एक साथ खिचड़ी जैसी पक गई है कि आपको चाहिए एक चीज़ लेकिन आपके दिमाग में आ रही है 10 चीज़, तो क्या हो रहा है, आप खुद कन्फ्यूज है, नेचर को भी आप कन्फ्यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जब आपके पास कोई रिजल्ट आ रहा है तो वो मिक्स होके आ रहा है कि कौन सा अच्छा हुआ कौन सा बुरा हुआ आप खुद समझ नहीं पा रहे हैं। तब आप जाके आप ऐसे कमेंट्स करते हो या फिर रिव्यू देते हो कि ये तो काम नहीं करता है, इट्स नॉट वर्किंग, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको फोकस की तरह से उस फ्रिक्वेंसी को आपको अपने सिग्नल को पहुंचाना है, जो मैं आप लोगों से कहती हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप बहुत सारे विचार सोचेंगे ना तो जीवन में आप बहुत कुछ मतलब अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपको किसी पुराने दोस्त के बारे में सोचेंगे, मानिए कि आपको अभी अचानक याद आ रही है किसी पुराने दोस्त के बारे में, तो आप क्या करेंगे, उसे अपने जीवन में आप आकर्षित करेंगे। ठीक,
ठीक है, ठीक उसी तरह अगर आप किसी खास किताब के बारे में सोचेंगे तो उसे आप आकर्षित करेंगे। वो किताब हो, वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, वो उसे आप आकर्षित कर लेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप किसी खास व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, मानिए 2 या 3 दिन से आप उनके बारे में सोच रहे, अचानक उस आदमी का फ़ोन कॉल आ जाता है, मेल आ जाता है, मैसेज आ जाता है, या फिर वो आदमी खुद आपके सामने खड़ा हो जाता है, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इसे आप कोइंसिडेंस समझ रहे हैं, लेकिन ये आपकी फ्रिक्वेंसी को मैच कर रहा है यूनिवर्स के साथ, क्योंकि 2-3 दिन से कंटिन्यूअसली आप उनके बारे में सोच रहे हैं या फिर किसी भी बात में उनका ध्यान आपके मन में आ रहा है। दैट मीन्स वो फ्रिक्वेंसी उस वक्त नेचर के साथ, यूनिवर्स के साथ मैच कर रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर केवल सोचने से ही व्यक्ति सब कुछ पा सकता है तो हर कोई अपने सपनों को जिंदा क्यों नहीं जी रहा है, है ना? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बहुत कोई बोलते हैं कि मैम सोचने से कुछ नहीं होता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ काम नहीं करता। तो देखिए, ये एक सब्जेक्ट है, इसे समझने की ज़रूरत है। तो देखिए, हमारे इंसानों के जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो हम अपने जीवन में नहीं चाहते हैं। हमें जो नहीं चाहिए हम उसी पर बार बार फोकस करते हैं, और वही जब हमारे पास रिटर्न होकर आती है तो हम कहते हैं हमारी ज़िंदगी ऐसी, हमारी किस्मत ही ऐसी है। तो आपने लोगों को कहते हुए भी बहुत ज़्यादा सुना होगा कि अब देखिए, मैं कुछ ऐसी बातें आप लोगों को बता रही हूँ कि जो बातें यूनिवर्स समझती है, मतलब आप उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो अक्सर ऑफिस के लिए जो लेट नहीं होना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, जिस तरह की चीज़ें होते हैं कि कोई बोलता है कि मैं ऑफिस के लिए लेट नहीं होना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं अकेला नहीं रहना चाहता, कोई कहता है कि मैं परीक्षा में फेल नहीं होना चाहता, तो कोई कहता है कि मैं ये गाड़ी कभी नहीं खरीद सकता। तो लोग ऐसी बातें इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ऐसा अपने मन में सोचते हैं, वो अपने जीवन में ये सब कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन वह अपने बारे में ऐसा ही सोचते हैं और ऐसा ही बोलते हैं, मैं ये नहीं कर सकूँगा। लेकिन ये चाहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकूंगा, ये वर्ड ना आए, मैं ये कर सकूंगा, लेकिन वो ये कहते नहीं है, ठीक है। वो अपने जीवन में वो सब कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन बोलते हैं, सोचते हैं, यानी कि नेगेटिव ही सोचते हैं। लेकिन असल में ऐसा सोचने से और बोलने से वो इन्हीं बातों को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे होते हैं, यानी कि आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बात की परवाह नहीं करता है। हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आकर्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल आपके प्रबल विचारों को, मैंने क्या बोला है, फोकस्ड विचार, शक्ति, इच्छा शक्ति वाली उस चीज़ों को ही वो फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करके वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सटीकता से समझता है, ठीक है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन केवल आपके प्रबल विचारों को बहुत सटीक तरीके से वो सोच लिया। मानिए कि आप 10 चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ ऐसी है जो आपकी प्रबल इच्छा शक्ति है, जो आपको चाहिए चाहिए, नहीं मिलेगी तो आप पता नहीं क्या कर बैठे हुए, लेकिन वो चीज़ है कि वो आपकी प्रबल इच्छा है। तो यूनिवर्स क्या कर रहा है, अपनी फ्रिक्वेंसी के साथ, नेचर के साथ वो आपकी तालमेल को बैठा रहा है। लेकिन मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ, कुछ एग्जाम्पल देती हूँ कि आप सोचते क्या है और आप यूनिवर्स को मैसेज क्या देते हैं, ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आता है कि जब आप कई बार ऑफिस के लिए लेट होते हैं ना, तो रोज ऑफिस जाते हुए मन ही मन आप यही सोचते हैं कि आज मैं लेट नहीं होना चाहता। तो सृष्टि क्या करती है, यानी नेचर क्या करता है, देखिए वो इसे इस तरीके से सुनती है, यानी कि हम यूनिवर्स को उस वक्त क्या समझा रहे होते हैं, मैं रोज लेट होना चाहता हूँ, और वो आपके रास्ते में ऐसी रुकावटें पैदा करती है जिससे आप रोज लेट हो जाते हैं। यानी कि आपने क्या कहा, मैं लेट नहीं होना चाहता, ठीक है, और ऑफिस जाते हुए आप मन ही मन इस चीज को सोचते रहते हैं, लेकिन नेचर क्या करती है, नेचर इसे फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कराकर ये यूनिवर्स के पास चली जाती है और जाकर ये मैसेज देती है, मैं रोज लेट होना चाहता हूँ, समझे, क्योंकि आप ये चीज़ बार बार कह रहे हैं, मैं लेट होना नहीं चाहता।
लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं आज मैं लेट बिल्कुल भी नहीं होगा, आप देखिएगा उसी दिन आप करेक्ट टाइम में पहुंचेंगे। लेकिन आप अगर यही फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर रहे हैं नेचर के साथ, यूनिवर्स के साथ, कि आज मैं लेट नहीं होना चाहता, दैट मीन्स कहीं पर क्वेश्चन मार्क है, कहीं पर आप किंतु परंतु जोड़ रहे हैं। तो ये है मैसेज। एक और मैसेज के थ्रू पे मैं आपको एक छोटी सी एक उदाहरण दे देती हूँ। देखिए, जब कोई व्यक्ति आपके साथ बदतमीजी करता है ना, तो आप बुरा महसूस करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि ये आदमी बदतमीज है। उस व्यक्ति के बारे में आपके विचार इसी तरह की सृष्टि में जाता है, यानी कि आप जो सोच रहे हैं ये आदमी बहुत बुरा है, ये आदमी बहुत ही गलत है। तो नेचर क्या करती है, वो आपकी बातों को समझती है, बातों को समझकर वो फ्रिक्वेंसी वो यूनिवर्स के साथ मैच कराती है। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, आप कंटिन्यूअसली अपने मन में क्या बोल रहे हैं, सृष्टि से यानी नेचर इसे यूनिवर्स तक किस तरह से पहुंचा रही है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं और कितना नेगेटिव सोचते हैं। जब आप ऐसा सोचते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, कोई भी काम आप सोचेंगे कि बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकता, तो नेचर क्या करती है, उसे इस तरीके से सुनती है, मैं और भी ऐसा काम चाहता हूँ जो मुश्किल हो, जो मैं नहीं कर सकता हूँ। और आप मुश्किल कामों को अपनी ओर उसी वक्त आकर्षित करने लग जाते हैं। तो आपको समझ आ रहा है कि ये मैसेज आपको किनको देना है, किस चीज को देना है। ठीक उसी तरीके से अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं समझते और ये काम नहीं करता है, तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप शायद गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को नहीं समझते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुरुत्वाकर्षण आप पर लागू नहीं होता है, बिल्कुल होता है। आप इसे गलत बोले, आप इसे ठीक बोले, आप बोले इट्स नॉट वर्किंग, लेकिन ये फिर भी अपना काम किए जा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मीनिंग है, इससे आप एक और एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से ही आप जमीन पर टिके भी हुए हैं, आप उड़ नहीं रहे हैं। ये गुरुत्वाकर्षण का ही सिद्धांत है कि आप आज जमीन पर रह के आप चल रहे हैं, आप यहाँ पर विराजमान हैं। ठीक उसी तरह आपके जीवन पर आकर्षण का नियम भी लागू होता है, चाहे आप उसे समझे या नहीं समझे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी पे काम करता है। आप अपने जीवन में जिन चीजों पर ध्यान लगाते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको उन्हीं के परिणाम स्वरूप वो सब कुछ आपको वापस देता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करके आप अपने जीवन की वो हर परिस्थिति, हर परिणाम को, हर नेगेटिव सिचुएशन को आप बदल सकते हैं, और ये 100% प्रूवन है। देखिए, आकर्षण के सिद्धांत के बारे में सुनकर ज़्यादातर लोग अपने नेगेटिव थॉट्स को ही लेकर भयभीत हो जाते हैं कि अब क्या होगा, मैंने तो इतना नेगेटिव सोच लिया, अब क्या होगा। लेकिन वो ज़्यादातर क्या होता है ना कि नेगेटिव सोच, आप भले आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारी सोच ही हमें डुबो ले जाती है। लेकिन खुशी की बात ये है कि अगर आप पॉजिटिव विचार, एक नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो अगर आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, लेकिन ठीक उसी समय अगर आप कुछ अच्छी बातें भी सोचने लग जाए, यानी कि कुछ पॉजिटिव बातें आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाए ना, तो पॉजिटिव का जो भार है वो नेगेटिव पर आ जाता है, तो नेगेटिव विचार की शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन आप जिस बात में बहुत खुश हो रहे हैं, वो तुरंत वही रिजल्ट आपको देने के लिए बहुत सारे रास्ते खोल देते हैं। तो इसलिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने मन में लगातार लंबे समय तक नेगेटिव सोच को ही सोचते रहेंगे, तब जाकर कहीं आपके जीवन में कुछ नेगेटिव ही होगा। लेकिन आपको अगर हमेशा आप नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव कुछ अच्छी चीज़ें भी सोच लेते हैं जो आपको खुशी देती है, जैसे मैं कहती हूँ कि जो आपकी हॉबीज़ है, जो आपकी क्वालिटीज़ है, अगर इन सारी चीज़ों पर भी फोकस करेंगे ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मिरेकल की तरह काम करेगा। तो आपके मन में जितने भी नेगेटिव विचार आते हैं, देखिए मैं एक दिन में तो चेंज नहीं कर सकूंगी, या फिर आप भी एक दिन में चेंज नहीं कर सकेंगे, लेकिन कोशिश आप इतना करते रहिए कि नेगेटिव विचार आपके मन में धीरे धीरे चला जाए, पॉजिटिव विचार उतना ही ज़्यादा आपके मन में आ जाए।
तो फैसला आपको करना है और आज से ही करना है कि आपको पॉजिटिव सोच रखनी है या नेगेटिव सोच रखनी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।